इतना इतना नॉलेज, इतना ज्ञान है उनके पास, तो मैं एज ए स्टूडेंट उनके सामने बैठ के बस उनसे सुनते हैं हम, स्पेशली जब ये और अनुभव सर साथ में होते हैं, तो बस इन दोनों की बातचीत को आपको सुनना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एज एन एक्टर आप देखें कि इस फिल्म में आशु सर ने इतना अलग काम किया है ना, हमेशा अच्छा काम करते हैं, लेकिन इस फिल्म में आपको बहुत ही अलग आशुतोष राणा देखने को मिलेगा। इन्होंने बहुत ब्रेक किया अपने आप को इस फिल्म के लिए, आसान नहीं है। आई थिंक जिस तरह का किरदार है वो बहुत ईजी होता है, उस समय कई बार यू नो जिससे वो भी दफलों के एक सीनियर हैं और उनकी अथॉरिटी है, जिस तरह से उन्होंने उसमें बहुत अपनी तरीके का ह्यूमर भी डाला है, जिसको आपको समझ नहीं दिया आपको कि आपको इस बात को बुरा लगना चाहिए कि आपको हंसना चाहिए। आई थिंक वो सब इनका योगदान है, इतना इतने प्रतिभाशाली, एक तो उनके साथ बैठती बहुत हिंदी निकलती है, ये एक बहुत कंटेजियस है, इतने टैलेंटेड हैं, और दुश्मन हो संघर्ष से लेकर भीड़ तक मैंने सिर्फ सीखा है इनसे कैसे परफॉर्मेंस देनी है, कैसे काम करना है, और कैसे बाकी चीज़ों की नॉलेज होना भी लाइफ में बहुत जरूरी है। राजकुमार सर, आई सेकंड ऑन यू। हेलो एवरीवन, आई एम दीपिका फ्रॉम न्यूज 18। मेरा सवाल आशुतोष सर से, और जैसे राजकुमार जी कह रहे थे ना, सब पत्रकार के तौर पे हमारा काम है शब्दों के पीछे के अर्थ को समझना, पर जब आशुतोष जी बोल रहे हैं तो अर्थ सर आई नहीं ना समझ में, क्योंकि हम शब्दों में घिरे हुए हैं, और बहुत शानदार। मेरा सवाल आपसे ये है सर, इस साल पठान जैसी फिल्म में आप नजर आए हैं, घोर कहते ना घोर कमर्शियल फिल्मों से भी आपका नाता रहा है और आप उनमें भी चमके हैं, और अब एक भीड़ आप कर रहे हैं और इसमें भी आप अलग तरीके से नजर आ रहे हैं, एक एक्टर के तौर पे कौन सा वो सिनेमा है, अगर आप चूज कर सकें कौन सी वो फिल्म है जिसे करने के बाद आपको लगता है कि हाँ भविष्य में, जब जैसे आज हम 100 साल के सिनेमा की बात करते हैं, अगर हम अगले 110 साल के सिनेमा की बात करेंगे और पिछले 10 साल की फिल्मों की बात करेंगे, तो आप किसके तौर पे जाना चाहेंगे, भीड़ के आशुतोष के तौर पे या पठान या ओम कवच जैसे आशुतोष के तौर पे, किसके तौर पे सर? मैं अखंड विश्वास करता हूँ कि हमारे बुंदेलखंड में कहा जाता है कि जात जात की जात है और जात जात में जात, अभिनेता जात अजात है व सब जातन में जात। तो मैं एक भारतीय अभिनेता के रूप में अपने आप को जाने जाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि हर अभिनेता की ख्वाहिश होती है कि उसके द्वारा अभिनीत किए गए प्रत्येक किरदार सिर्फ उसकी स्मृति में ना रहें, बल्कि उन दर्शकों की स्मृति में भी रहें जिन दर्शकों, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग निर्मिति हैं और दर्शक निर्माता होता है, तो निर्मिति को अपने सौंदर्य की जानकारी नहीं होती, निर्माता को अपनी निर्मिति के सौंदर्य की जानकारी होती है, और जब निर्माता अपनी निर्मिति के प्रेम में पड़ जाता है, उसको स्मरण में रखता है, तो हमारा आना भी सफल हो जाता है, हमारा जाना भी सफल हो जाता है, और हमारा रहना भी सफल हो जाता है। तो हम यही चाहेंगे कि हमारा तो प्रत्येक किरदार एक अभिनेता के रूप में आप हमको प्यार करें, हमको स्मरण करें, क्योंकि जब आप देखते हैं तब हम देखने योग्य हो जाते हैं, जब आप अपने घर से चलते हैं तब हमारा घर चल पड़ता है, जब आप पैसे खर्च करते हैं तो हमें पैसे मिलने लगते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि आप विश्वास कीजिए, चाहे वो कोई भी नेता हो या अभिनेता हो, ये समाज की निर्मिति होते हैं, तो निर्मितियों को तो आनंद मिलता है कि अगर उसका निर्माता उससे प्रेम करे, उसको स्नेह दे, उसको समेट के रखे, उसको सहेज के रखे, और उसका लगातार उसके ऊपर काम करता रहे, ताकि उसका सौंदर्य दिन प्रतिदिन और खिलता रहे। हेलो सर, राजेश खन्ना फ्रॉम टोटल वर्क्स। सर भीड़ जैसे जो है कि आप, इससे पहले जो है कि 24 को जैसे कि लॉकडाउन की तीसरी वर्षी भी है, और उससे पहले जो है कि 19 मार्च को जो है कि जनता कर्फ्यू भी अनाउंस किया गया था, तो क्या इसमें जनता कर्फ्यू का भी हमारे को देखने को मिलेगा? और दूसरा ये है कि लॉकडाउन में जो है कि लोग, कुछ लोग घर पे थे, तो उस समय जो है कि पॉपुलेशन बढ़ने का भी कुछ ऐसा था, तो क्या वो इसी में देखने को मिलेगा क्या? सबके काम की चीज है, क्योंकि कोई भी आपदा जो होती है वो कहीं ना कहीं हमारे विध्वंस के लिए नहीं आती, वो हमारे निर्माण के लिए आती है, मतलब मनुष्य के निर्माण के लिए आती है। तो आदमी ने वक्त को ललचा रहा है और आदमी ने मौत को भी मारा है,
आदमी ने जीते हैं तीनों लोग, पर आदमी ही आदमी से हारा है। बस ये भीड़ यही तक सीमित ना रहे भैया, थोड़ी आप पीछे हट गए। कौन गिरा, कौन गिरा?